वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं अपनी किया स्पोर्टेज अल्फ़ा 2022 का रिव्यू लेके आया हूँ। तो रिव्यू शुरू करते हैं। तो गाड़ी के साथ जो है हमें ये चाबी मिलती है, ये कीलेस एंट्री वाली। इसके अंदर लॉक, अनलॉक और जो है ट्रंक रिलीज का बटन है जिससे गाड़ी की डिग्गी खोलती है। ये चाबी अगर आपने नहीं निकालनी, आप इसको पॉकेट में सिंपली रख के जा सकते। चाबी आपकी जेब में होगी और आप गाड़ी के बस पास जाएंगे तो गाड़ी जो आपको सबसे पहले इस तरह ही वेलकम करेगी, साइड मिरर ओपन करके। लेकिन गाड़ी अनलॉक नहीं हुई होगी, इसलिए साइड मिरर ओपन। जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे, चाबी वाली जेब में गाड़ी अनलॉक हो गई। आप इस तरह गाड़ी के अंदर आएंगे, ये अंदर भी एक और वेलकम साउंड आएगा, किया का लोगो बना हुआ आएगा। आपने सिंपली ब्रेक पे पाँव रखना है, ये बटन है इसको दबाएंगे तो ये इस तरह गाड़ी स्टार्ट होती है। गाड़ी की ड्राइव की बात कर ली जाए तो गाड़ी की ड्राइव जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। कहीं से भी गाड़ी में खड्डे वगैरह फील नहीं होते और सस्पेंशन वगैरह गाड़ी की बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी है। 2000 सीसी होने की वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है और कहीं से भी अंडर पावर फील नहीं होती हैं। गाड़ी के अंदर जो है पावर स्टेयरिंग, पावर विंडोज़ आती हैं और ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो ऑटो डाउन है, अप ऑटो नहीं होती, अप मैन्युअली आपको बटन दबा के रखना पड़ता है। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो है ये 7-inch इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है ये। उसके अलावा गाड़ी के अंदर जो है इधर आप देख सकते हैं ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, जिसमें आप पैसेंजर का अलग और ड्राइवर का अलग सेट कर सकते हैं टेम्परेचर। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। इस तरह इसका डुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी काम करता है। इस तरह आप ये देख सकते हैं, मैंने सिंक अगर ऑफ़ किया तो ये ड्राइवर साइड का अलग सेट हो गया और पैसेंजर साइड का वही है। मैं जैसे ही सिंक को दबाऊंगा तो ये वाला ड्राइवर साइड के साथ सिंक हो जाएगा। यहाँ से फ़ैन की स्पीड एडजस्ट होती है, ये देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी है, इसको दबाएंगे तो गाड़ी अपने आप को ख़ुद उस टेम्परेचर पर सेट करेगी जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसका भी बंद कर देते हैं। और उसके अलावा जो है इसके अंदर फ्रंट और रियर डिफॉगर भी है। और मीडिया की बात कर ली जाए तो गाड़ी के अंदर जो है वो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। वायरलेस नहीं है, वायर के साथ कनेक्ट होता है, आपको वायर लेनी पड़ती है, यहाँ जाके कनेक्ट होती है। तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चलता है। उसके अलावा सादी सी स्क्रीन है, ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें हैं नहीं और रेडियो वगैरह जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो सब हैं। उसके अलावा अगर इसकी बात कर ली जाए गाड़ी की फ्यूल एवरेज की, तो इस वक्त मुझे गाड़ी 9.7 की एवरेज दे रही है इन सिटी। और डिजिटल इसमें स्पीडोमीटर भी है। उसके अलावा अगर आप चले जाएं यहाँ से मेन्यू के अंदर, यहाँ से इसका मेन्यू आ गया। इसमें डोर्स हैं, ये बताते हैं कौन सा डोर खुला हुआ है। वो लाइट्स वगैरह की एडजस्टमेंट है कि वो वेलकमिंग लाइट्स गाड़ी ऑन करें अपनी ना करें। साउंड है, कन्वीनियंस है सर्विस सेंटर वाला कि कितने टाइम बाद गाड़ी को सर्विस करानी हो। आप जितनी दफ़ा इसको ऑन करेंगे कि गाड़ी आपको बताती है कि सर्विस का कितना टाइम रह गया। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। और अच्छा, बंद होती है ना गाड़ी खुद ही ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। तो ये जैसे हमने ब्रेक पे पाँव रखा, ये बटन दबाया तो ये यहाँ स्टार्टिंग मेन्यू में आ गए। ये 27 डेज लेफ्ट सर्विस, 27 डेज के अंदर इसकी होगी। इसके अलावा इसका रेयर जो ये मिरर है ये ऑटो डिमिंग है। उसके अलावा इसके अंदर इस साइड पे भी और इधर भी जो हैं वो मिरर आते हैं, मिरर्स लाइट्स के साथ। और उधर भी मिरर है। और अलावा जो इसकी ड्राइवर सीट है उसके अंदर जो है वो हाइट एडजस्टमेंट भी है और ये ऊपर नीचे हो सकती है, मैनुअल है। ये सुई वाली एडजस्टमेंट भी और नीचे से आगे पीछे भी हो सकती है। ये दोनों उसके अंदर फीचर्स हैं। जैसे ऊपर वाली वेरियंट्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक आती है, इसमें सादी आती है। उसके अलावा यहाँ से जो है
ये इसके मीटर की लाइट सेट होती हैं, ये इधर से इसकी मीटर की लाइट सेट होती हैं, और ये इसका स्टोरेज कंपार्टमेंट है, एक ये है और दो है, नहीं नहीं एक ही है इसके अंदर, और ये आगे पीछे भी हो सकता है। उसके अलावा जो है इसके अंदर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं दो एक रीडिंग लाइट्स दो यहाँ आती हैं और एक पीछे आती है, ए अल्फा है, तो इसके अंदर जो है वो पैनोरामिक रूफ नहीं आती। और इसके अंदर जो है ये साइड मिरर ऑटो वो हैं फोल्डिंग, दोनों फोल्ड अनफोल्ड दोनों ऑटो होते हैं। मिरर एडजस्टमेंट भी है यहाँ पे सारी, लॉक अनलॉक का फीचर है। स्टीयरिंग भी जो है इसका वो टेलीस्कोपिक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे, और ये आगे पीछे नहीं होता, सिर्फ ऊपर और नीचे होता है स्टीयरिंग, ये देख सकते हैं। तो ये और यहाँ से ये इसका लॉक खुलता है और यहाँ से ही बंद होता है। ये अब लॉक हो गया स्टीयरिंग। बाहर से शेप की बात कर लें तो गाड़ी की शेप बाहर से बहुत प्यारी है। इसके अंदर ये DR डे टाइम रनिंग लाइट्स दी हैं, ये जो है हेलोजन बल्ब आते हैं इसके अंदर पीछे, लेकिन हमने इसमें आफ्टर मार्केट LEDs लगाए हैं। नीचे फॉग लैंप जो हैं वो थ्रू आउट ऑल वेरियंट्स के अंदर हेलोजन ही होते हैं। तो ये और ये इसके रिमोट टायर्स हैं, इसके अंदर जो है वो 17 इंच के रिम्स आते हैं और कूमो का टायर आता है, आप देख सकते हैं, जिसकी चौड़ाई जो है 255/60R है, R17 आप देख सकते हैं। और साइड शेप की बात कर ली जाए तो LED इंडिकेटर के साथ साइड मिरर आता है, क्रोम डोर हैंडल आते हैं इसके अंदर, एयर प्रेस आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, और पीछे से जो है गाड़ी में ये हेलोजन बल्ब्स हैं सारे। टॉप इसके ऊपर जो वेरिएंट्स होते हैं उनमें LED आते हैं, ऊपर ब्रेक लैंप LED है, और इसकी यहाँ पे ये रिवर्स लेफ्ट इंडिकेटर है और ये रिवर्स लाइट है, और यहाँ पे जो है ये रिवर्स फॉग लैंप है। इसके अंदर से पीछे एक फॉग लैंप आती है, दो एक रिवर्स लाइट आती है, दो नहीं। उसके अलावा ये गाड़ी की साइड लुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। आपने गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए यहाँ पे एक बटन है, इसको प्रेस किया तो ये गाड़ी आप देख सकते डिग्गी खुल सक ऑटोमेटिक खुल गई। ऑटो बूट नहीं है इसके अंदर, जो बटन से ओपन होती है वो सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव में और फ्रंट व्हील ड्राइव में मेरे ख्याल से आती हैं। ये इसकी बैक स्पेस है गाड़ी की, इसकी डिग्गी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और ये वाली सीटें जो है आप रिक्लाइन करके स्पेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। डिग्गी का सेपरेटर है, इसको आप यूँ खोलेंगे तो आपकी डिग्गी जो है वो सेपरेट हो जाएगी। अगर आपने सामान रख के, जैसे हमने टिश्यू पेपर वगैरह रखा है तो इसके ऊपर कुछ रखना है तो इस तरह का भी आपका यूज़ में आ जाएगी। और जो है इसकी इसके अंदर जो थर्ड व्हील आता है वो मतलब स्पेयर व्हील जो आता है वो भी अलॉय है, उसको इसका आप यहाँ से खोलें तो ये उल्टा पड़ा हुआ है, ये भी जो है इसमें अलॉय रिम आता है जो कि ऑल व्हील ड्राइव में नहीं आता, जो कि एक अजीब बात भी है। इसको वापस यूँ खोलेंगे, ये डिग्गी सेपरेट हो गई और अपना जो सामान रखना है वो आप यहाँ रख सकते हैं। तो ये गाड़ी का इंजन है जो 154 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 169 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 62,000 RPM के ऊपर। ये 2000 CC इंजन है विद सिक्स स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। गाड़ी के अंदर जो है वो तीन मोड्स भी आते हैं, यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, ईको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल मोड आता है। ईको में गाड़ी की गियर शिफ्टिंग जो है वो तेज़ हो जाती है और क्या कहते हैं गाड़ी बेहतर से बेहतर इसकी फ्यूल एवरेज देती है, और नॉर्मल के अंदर इसकी स्पीड जो है वो मतलब गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी लंबी कर देती है गाड़ी और फ्यूल एवरेज जो है वो गिरा देती है। स्पोर्ट्स मोड के अंदर गाड़ी में आपको विजुअल डिफरेंस फील होता है, गाड़ी एकदम भागती है और इसका स्टीयरिंग जो है वो टाइट हो जाता है, ब्रेक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, और फ्यूल एवरेज ज़ाहिर सी बात है स्पोर्ट्स मोड के अंदर बहुत ही गाड़ी बुरी दे रही होती है। तो ये इसके अंदर तीन मोड्स भी हैं, और गाड़ी के अंदर क्रूज़ कंट्रोल है और वॉइस कमांड है, कॉल एक्सेप्ट और काटने का ऑप्शन दोनों यहाँ पे है, वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं, मल्टीमीडिया स्टीयरिंग पूरा है। गाड़ी के अंदर जो है वो वायरलेस चार्जिंग नहीं आती, इसमें
जो इसके इंटरनेशनल वेरिएंट्स हैं उसमें सुना है कि वायरलेस चार्जिंग होती है, लेकिन इन इधर किसी में भी नहीं होती, ना ऑल व्हील ड्राइव में ना अल्फा में। क्वालिटी की बात कर ली जाए तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी जो है वो आउट क्लास है। गाड़ी के जो यहाँ पे लेदर की एक स्ट्रेचिंग है, गाड़ी का डैशबोर्ड पे सॉफ्ट प्लास्टिक इस्तेमाल किया गया है और साइडों पे भी जो है वो प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन के इसके जो ये बटन्स हैं इनमें भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी इस्तेमाल की गई है, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि चीप प्लास्टिक है। और गाड़ी के अंदर जो है वो साउंड प्रूफिंग भी बहुत अच्छी हुई है, बाहर के शोर की आवाज़ बिल्कुल भी अंदर नहीं आती। हाँ, ये टायरों का शोर थोड़ा बहुत आ रहा है, जो कि इसके जो टायर हैं ये हर वेरियंट में आता है, शायद टायर की क्वालिटी ऐसी है, लेकिन है तो इम्पोर्टेड टायर्स। बट ऑल उसके अलावा बाकी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा बाहर का शोर नहीं है, बहुत सुकून है गाड़ी के अंदर। और ये इस गाड़ी का सबसे बड़ा मतलब एडवांटेज है कि मतलब हाइट भी गाड़ी की काफ़ी ऊपर है गाड़ी की। अभी मैं ये खड्डों वाली सड़क से जा रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी कोई फील नहीं हो रहा। इसकी सस्पेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और वो मतलब ऊपर इतना फील नहीं होने देती कि अगर नीचे गाड़ी के सड़क सही नहीं है। तो ये था किया स्पोर्टेज अल्फा 2022 का रिव्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।